शुक्रिया। आते ये बताओ, मायरा से कोई बात हुई? 2-3 मरतबा कोशिश की लेकिन। गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग। ये आपने सिर्फ मुझे कहा है? हाँ, और ये देखो कि सुबह सुबह तुम्हें पकड़ने के लिए मैं नाश्ते की मेज पे आ गई. मुझे क्यों पकड़ना है आपको? तुम्हारे बाबा का फोन आया था, वो शायद 10-12 दिन और रुकेंगे वहां. लंबा हो गया है उनका टूर बाहर का. वैसे तुम बताओ कि तुम इतनी सुबह सुबह ऑफिस क्यों जा रहे हो? अच्छी बात नहीं है, बाबा नहीं है तो मैंने सोचा किसी को तो देख लेंगे। अच्छी बात है. अच्छा सुनो, इस वीकेंड पे कोई कमिटमेंट मत करना, मेरे साथ तुम्हें जाना है. कहाँ? एक बर्थडे है, उस पे जाना है. किसकी? किसी की, बता दूंगी तुम्हें. कोई बहाना नहीं चलेगा, और ये समझ लो ये तुम्हारे बाबा का ऑर्डर है. वही हुआ जिसका मुझे डर था. मम्मी क्या हो गया? और बाबा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है. यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है. मैंने उन्हें खास तौर पे कहा हुआ है कि मैं जब भी शादी करूंगा अपनी पसंद से करूंगा। व्हाट? जस्ट टेल मी, तुम मायरा के लिए सीरियस हो? आर यू श्योर? तुम्हें क्या लगता है? यकीनन मैं आई एम वेरी श्योर। तो फिर देर किस बात की है? अम्मी को किसी दिन उनके घर ले जाओ, तभी उनको पता चलेगा. और मायरा के घर वालों को भी तब पता चल जाएगा कि तुम मायरा के बारे में कितने सीरियस हो. आते प्लीज कुछ करो, वरना पछताओगे. सोच रहा था कि अम्मी को ले जाऊं। ठीक है। और हाँ, चल रही है, तुम भी तैयार है ना? विल गो टुगेदर। आई कांट गो. क्यों भाई, वाई कांट यू गो? यू नो माय डिवोर्स अदरवाइज. क्या बातें कर रही हो तुम? आई कांट गो, यू नो मी वेरी वेल. एनीवे, हैव अ गुड डे. तुम्हें तो अच्छी तरह पता है जो मुझे नहीं पसंद आता हूं, मैं नहीं करती उनसे बात, और करके करना भी क्या है. सही है, ठीक है ठीक है, मिलते हैं. सुनो, आई विल कॉल यू बैक. आप मेरी बातें सुन रही हैं? तुम उससे बात कर रही थी? अम्मी, मैं उससे बात क्यों करूंगी? इसलिए कि तुम्हारा कुछ पता नहीं है. पहले तो तुम दीवानी हुई जा रही थी उससे शादी करने के लिए, पागल हो गई थी, और अब तलाक लेके बैठ गई हो तुम. अम्मी, मेरी तलाक को 6 महीने गुजर गए, आप इस टॉपिक को चेंज नहीं कर सकती? मैं तो तुम्हारी शादी की कोशिशें कर रही हूँ. अब जाहिर है कि या तो कोई बड़ी उम्र का आदमी मिलेगा, या फिर बच्चों वाला भी हो सकता है. बता तो मैं इसलिए रही हूँ ताकि तुम जहनी तौर पर तैयार रहो. मुझे कोई शादीवादी नहीं करनी है. करनी तो तुम्हें पड़ेगी, मैं इस तरह तुम्हें सारी उम्र घर में तो नहीं बैठा सकती. अम्मी, आप मुझसे ऐसे बात करती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं कि मैं आपकी बात भी मानूं? माननी तो तुम्हें पड़ेगी, और इस मर्तबा तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं होगी, तुम्हारे बाप की मर्जी से होगी. समझी? तो
क्या हो गया है समन? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कुछ बताओ तो सही। अम्मा, अम्मा किस भारी दिल के साथ मैं आई हूँ? मैं बता नहीं सकती, आई नहीं हूँ, धकेली गई हूँ। अरे समन रोना तो बंद करो, बताओ आखिर बात क्या हुई है? चलिए आप पानी पिए। अरे पानी पियो, सांस बहाल करो, फिर आराम से सारी बात बताओ कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ। जीती रहो, सुमन। आप लोग अपने हैं, कोई पर्दा तो नहीं है, लेकिन जो बात मुझे अम्मा से करनी है वो आप तो उनकी मौजूदगी में नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, चलो बेटा तुम करो अम्मा से बात। नहीं, ऐसी क्या बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? तुम कुछ भी गलत मत सोचो, जो भी बात होगी ना पता चल जाएगी। बोलो बताओ। आपने मुझे ब्याह के ना अपने आप को सारी उम्र कोसा होगा। मुझे पता ऐसे पछतावे की वजह से आपने निशान और मायरा को मेरी बहू बना दी। अरे बेटा, गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि अब की क्या बात है, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? अम्मा, शकील ने कहा है कि मैं कैसे 20 लाख रुपए लेके क्या? अम्मा मेरा भाई तो रहा नहीं दुनिया में, अब आप ही है ना, आप ही है, बस मेरी माँ भी, मेरा मैका भी। नहीं, अब देना 20 लाख रुपए मुझे। ये बेटा मैं कहाँ से तुकी? मेरे पास कौन सा खजाना दबा रखा है यहाँ पर? क्यों? मारा और मिशाल के लिए आप लोगों ने जहेज के लिए कुछ नहीं जोड़ा। समन, शकील ने कहा है कि मारा और मिशाल को हम बहुत सादगी से बगैर जहेज के ब्याह के ले जाएंगे, इसलिए उनकी जहेज के लिए आप लोगों ने जो भी पैसे जमा करके रखे वो हमें दे दें अभी। ये कैसे हो सकता है? और वो पैसा ये नहीं हो सकता तो फिर तैयार, हम अपना घर बेच के बोरिया बिस्तरा उठा के इस घर में आ रहे हैं रहने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो हो सकता है ना, ये तो आपको कबूल है ना, इसके लिए तो आप तैयार है, मंजूर है ना हमको? बोले ना अम्मा। हाँ बोलो, क्या कहूँ मैं?